हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज ये वीडियो मैं इसलिए ऐसे बना रही हूँ क्योंकि इधर उधर जाने की खुशी में मैंने बहुत सारे कपड़े फैलाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मेस मचाया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा भी कैसे भी करके थोड़ा सा हाइड कर पाऊँ इन चीज़ों को। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जब मैं एक और जगह जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कल के एक्सपीरियंस के बाद में यहाँ कितना मज़ा आएगा। वैसे यहाँ खास जाने का मन तो है नहीं, पर बुकिंग की हुई है और वैसे भी घर पे अकेले क्या करूँ, कुणाल की छुट्टी नहीं है तो मुझे आज अकेले जाना है। और थोड़ा सा नवरात्रि के दिनों में घर पे बैठने का मन कम है इसलिए जा रही हूँ। बाकी जो रॉयल पाम्स वाला था उसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल। अब लेट्स सी आज कितना मज़ा आता है। तो और हाँ, और ये नहीं बताया मैंने कि आज तीसरा दिन जो है वो माता चंद्रघंटा का है, लेकिन कल वाले वीडियो में मैंने अपने 9 के 9 नाम बता दिए थे याद करके, आप लोग भी याद ज़रूर करें। और ये मैंने थोड़ा मिक्स एंड मैच पहन लिया है, सिल्वर के साथ गोल्डन के साथ सिल्वर, ये सब, बट ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है। और ये है वर्धमान लॉन्स की एंट्री जो मैं दिखा रही हूँ, और इस तरफ को पार्किंग है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अंदर जो गार्डन है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है। और ये बाहर जो पार्किंग है ये बहुत अच्छी बनाई हुई है, पार्किंग का एरिया बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जहाँ वो रॉयल पाम्स वाले में तो घास, इतनी बड़ी बड़ी घास के ऊपर में उन्होंने पार्किंग के 100 रुपये लिए थे, इतना बकवास था। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और अंदर अब जब मैंने एंट्री कर ली है तो अंदर ये डांस हो रहा है। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं सब में सॉन्ग्स के साथ में मैंने डाले हुए हैं, बिकॉज मैं सॉन्ग्स के साथ में लाइक वो नहीं करना चाहती थी वीडियोज़ को म्यूट या कभी भी, तो बहुत सारी वीडियोज मेरी सारी कॉपीराइट वाली वीडियोज़ है। तो मैंने सोचा अभी कुछ थोड़ा सा इसमें करती हूँ कि ये कॉपीराइट में ना जाए, लेट्स सी। तो यहाँ पे मेरे तो कोई फ्रेंड्स हैं नहीं कि डांस में किसी को ज्वाइन करूँ, बट हाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। आप यहाँ पे जाते हो तो आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, 22 में भी मैंने किए हुए हैं, लेकिन मेरा थोड़ा मन कम था क्योंकि उनके अपने अपने स्टेप्स होते हैं तो वो भी डिस्टर्ब होंगे, मुझे भी समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैं अकेले अकेले कर रही हूँ। और एक डांडिया जो है यहाँ पे 100 की पीस की मिल रही थी। खाना तो आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है बट फिर भी आपको समझ में आ ही जाएगा गाना। और मतलब लेकिन यहाँ पे इस वाले में जो वर्धमान लॉन्ज है यहाँ पे काफ़ी मिल रहा है डांस के लिए। और अभी ये यहाँ पे गुलाबी साड़ी वाला गाना चल रहा है, नहीं चल परम सुंदरी वाला गाना था, तो अच्छा था, बहुत मज़ा आया। और डांडिया मिल गया लेकिन थोड़े देश के ऊपर तो और ज़्यादा मज़ा आता। और जो ये जो पीछे डांस कर रहे हैं ना, ये लोग एक्चुअली अपना था, ये लोग आपस में जो स्कूल या सॉरी स्कूल तो नहीं होते होंगे शायद, कॉलेज वाले के बच्चे होते हैं, ये आपस में जो सीख के आते हैं, तो इनके स्टेप्स पूरे वैसे ही होते हैं कि ये मतलब मिलते हैं वही प्रॉपर गरबा वाले इनके स्टेप्स होते हैं, तो वो थोड़े डिफिकल्ट तो होंगे मेरे लिए एकदम से जाके ज्वाइन कर लेना। बाकी अपने फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ ऑब्वियसली मज़ा ही आता है ये सब चीज़ों में, बट ठीक है फ्रेंड्स नहीं है तो अब ये भी नहीं है कि फ्रेंड्स नहीं है तो मैं इन्जॉय ना करूँ, इसलिए मैं अकेले ही इन्जॉय कर लेती हूँ। अभी तो ये शुभारंभ गाना है जो कि नवरात्रि का बहुत फेमस गाना है। लेकिन इसमें जो ये वर्धमान लॉन्ग्स हैं यहाँ पे फर्स्ट और एन्जॉय तो बहुत किया मैंने, और था भी बहुत अच्छा एन्जॉय करेंगे, था भी बहुत अच्छा।
यहाँ पे मैंने देखा कुछ लोग जैसे कुछ हैं जो आए हुए हैं और अकेले खड़े हैं, वो डांस नहीं कर पा रहे, गीट्स वगैरह, ऐसे मत सोचो करो यार, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। डांस वांस में इंजॉय कर लेना चाहिए, डांस ही तो कर रहे, अकेले करने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों शर्माना है, चोरी थोड़ी कर दिया या फिर कोई गलत काम थोड़ी कर दिया, पता नहीं लोग क्यों शर्माते हैं डांस वांस अकेले करने में। फ्रेंड्स नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके, खड़े होके देख रहे हो आप डांडिया पकड़ के, मन कर रहे हैं।